क्रिएटिव यामिनी आर्ट। आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने स्किन टोन को चेंज करने के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, क्या यूजेस है, कितने टाइम आपको उसको यूज़ करना है, कितने टाइम में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या चीज़ें लगेंगी। सो आप अपना स्किन टोन का जो कलर है, जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि मेरा कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर है विदाउट एनी मेकअप, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, सिंपल एक मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है जिसकी मैं डेली बेसिस पे लगाती हूँ, और एक लिप बाम लगाया हुआ है जो कि आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा। एक कलर वाला लिप बाम लगाती हूँ, किस ब्यूटी ब्रांड का है, जिसमें लिपस्टिक का भी काम कर देता है, लिप बाम का भी काम कर देता है, और एक्सपेक्ट उसमें एलोवेरा भी है। सो काफ़ी ज़्यादा हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एलोवेरा हो या नीम हो या कुछ इंग्रेडिएंट्स विटामिन ई हो जिससे मेरी स्किन अच्छी रहे, तो लिप बाम के लिए भी मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आज आपके संग मैं शेयर करने वाली हूँ कि आपको एक सिरम ट्राई करना चाहिए मेरे DIY के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग मैंने भी वो यूज़ किया है तो मुझे इतना अच्छा ग्लो, इतना अच्छा शाइन मिला है अपने फेस पे। अदरवाइज पहले की इमेज आपने देखी होगी, इमेज में थंबनेल में देखी होगी कि मेरा कलर जो था वो थोड़ा डार्क था, बट धीरे धीरे जब मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, ट्राई किया, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो चलते हैं वीडियो में कि इसे कैसे बनाते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, क्या यूज़ है, कब लगाना है। वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, पास ही नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा उस पर भी हिट कर दीजिएगा, तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे। चलते हैं वीडियो में। फर्स्ट है इसके इंग्रेडिएंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको सिर्फ दो प्रोडक्ट्स ही लगेंगे। फर्स्ट है ये वाओ का एलोवेरा जेल, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, चाहे तो नेचुरल वाला भी ले सकते हैं, मेरे घर में प्लांट है बट वो सूख चुका है, इस वजह से मैं ये वाला ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है, बहुत लाइट है, इरिटेट नहीं करता है स्किन को। कोई भी एलोवेरा जेल जो आपको सूट करता है, आपके पास अवेलेबल है, कोई भी ले सकते हैं, तो ये एलोवेरा जेल आपको लेना है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है ये विटामिन ई की कुछ कैप्सूल्स, और ये 12 कैप्सूल का पैकेट आता है, 27 रुपीज़ का कुछ इस तरीके का पैकेट आता है। तो ये मेरा पता नहीं कितना यूज़ हो चुका है, तो ये आप देख सकते हो, तो ये हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। तो ये हो गए इसके इंग्रेडिएंट, वो है व्हाट इज़ द एडवांटेज, मतलब आपको क्या बेनिफिट इससे मिलेंगे। तो फर्स्ट बेनिफिट आपको इससे ये मिलेगा कि आपके धीरे धीरे स्पॉट्स, जो पिंपल्स है, इस पिंपल के स्पॉट्स बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी अभी के हैं, तो वो मिटना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड आपको ये मिलेगा कि आपका अगर स्किन टोन थोड़ा ज़्यादा डार्क है, तो थोड़ा थोड़ा अगर आपके फेस पे टैनिंग है तो वो भी रिमूव होने लग जाएगी, और आपको आपके स्किन में 1 से 2 शेड लाइटर स्किन टोन मिल सकता है। ज़्यादा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे, एक मीडियम कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट, तो आपको किस टाइम पे यूज़ करना है। मॉर्निंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको जब ये मॉर्निंग में आप यूज़ करते हैं तो आपको इसको अपने नहाने के पहले यूज़ करना होता है। नहाने के पहले आप 15 से 20 मिनट पहले से यूज़ कर लो, 15 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम आपको अपने फेस पे इसको रखना होता है। आपने लगा लिया, मॉर्निंग में लगा सकते हैं या आप नाइट में भी लगा सकते हैं। मॉर्निंग या नाइट में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहाने के बाद अगर आप कहीं बाहर जाने तो उससे आधे घंटे पहले आपको लगाना है, क्योंकि ये आपके फेस पे स्टे करना चाहिए। अगर आप इसको लगाने के बाहर जाते हो, वैसे आप इसको लगाने के बाद बाहर नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है और थोड़ा सा ऑयलीनेस रहती है, तो उस तरीके के फेस के संग कोई भी बाहर नहीं जाता है। तो नहाने के अगर आप कहीं जा रहे हैं उसके पहले, आधे घंटे पहले नहा रहे हैं, तो उसे आधे घंटे पहले आपको लगाना होगा। नाइट में आप लगा करके सो सकते हैं, मॉर्निंग में वॉश कर सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिर्फ मॉर्निंग या नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो, डे टाइम में अगर आप इसको लगाने के बाद बाहर जाते हो तो फेस पे आपकी जो भी डस्क होता है, टैनिंग होती है, सन रेज होती है, वो और आपके फेस में और ज़्यादा अंदर की तरफ जाएगी। तो आपको मॉर्निंग और नाइट टाइम में ही से यूज़, वो है हाउ मेनी टाइम यू कैन यूज़ दिस, तो आपको दिन में एक बार ही इसे यूज़ करना है, डेली बेसिस पे यूज़ करना है। अगर आपने एक टाइम इसका बना लिया कि आप मॉर्निंग में 9:30 9:50 पे लगाते हो, तो डेली बेसिस पे आपको उसी टाइम पे लगाना है। अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हो तो मॉर्निंग में लगाइए कंटिन्यू 1 वीक तक, अगर आप नाइट में लगा रहे हो तो नाइट में लगाइए। डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, इससे कोई भी हार्म नहीं होगा, कोई भी इरिटेशन आपको जो है वो है हाउ टू यूज़, लास्ट कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है और आपको इसको बनाना कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। फेस वॉश इसलिए किया है बिकॉज कि मैंने एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाया हुआ था, अदरवाइज मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, सी नो मेकअप। एक कैप्सूल को आप ओपन कर लीजिए, देन आप इसको कट कर लीजिए एक सीजर की हेल्प से।
और अपने पाम पे ले लीजिए. इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट को ले लिया है. अब इस कैप्सूल को हमको थ्रू आउट कर देना है. और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपना वाव का स्किन साइंस एलोवेरा जेल. 99% ये प्योर जेल है, नो पैराबेन, नो सिलिकन, नो मिनरल ऑयल कलर्स प्रोडक्ट है ये. सो इसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है, बिकॉज कि आप जितना ज़्यादा एलोवेरा जेल लेते हैं उतना ही आपका जो जेल है या बोल सकते हैं आपका मॉइस्चराइज़र है वो उतना कम थिक बनेगा. आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है. आप देख सकते हो ये क्रीम फॉर्म में चेंज होते जा रहा है धीरे धीरे. जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करोगे इसमें हल्का सा शाइन भी है, एक शाइन भी है और ये क्रीमी फॉर्म में चेंज हो रहा है. आपको प्रोडक्ट को इस तरीके से अपने पूरे हाथ पे लेना है, देन मिक्स करना है. जितने ज़्यादा मिक्स करोगे उतना अच्छा क्रीम बन जाएगा, लगाने में ईजी रहेगा. आपको लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा थिक है तो और थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लीजिए. नेक्स्ट इसको सिंपली हम जैसे एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं उस तरीके से पहले अप्लाई करना है. और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस तरीके का यूज़ कर रहे हो तो अपने नेक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और इस तरीके से मसाजिंग मोशन में आपको इसको अप्लाई कर लेना है. जब आप एलोवेरा जेल लगाओगे मिलाओगे अच्छा क्वांटिटी में तो बहुत ईजिली आपका हैंड चलेगा, मसाज होगी बहुत लाइट हैंड से. जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ अच्छे से सिर्फ 2 से 3 मिनट मसाज करनी है. 2 से 3 मिनट में ये प्रॉपर ड्राई हो जाएगा. देन 10 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर लें. 10 to 15 मिनट्स में, मैं 10 मिनट्स में कर लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है. तो 10 मिनट तो आपको रखना ही है अपने फेस पे. जहाँ ज़्यादा ड्राइनेस है आप देख सकते हो ये थिक फॉर्म में चेंज हो गया है. अब इतने अच्छे से मसाज नहीं हो रही है तो मैं यहाँ अपनी मसाजिंग स्टॉप कर दूंगी. देन 10 मिनट्स के बाद अपना फेस जो है अच्छे से वॉश कर लूँगी. फीट हो गए हैं आप देख सकते हो. 10 मिनट के बाद भी फेस पे जो है ग्लो है, शाइन है. अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया है, मैं वॉश करने के बाद आपसे लिया है. नेक्स्ट मैं पैड ड्राई कर रही हूँ. इसे वॉश करते टाइम आपको कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना है. और आप जब भी ये कर रहे हैं उसके 2 से 3 घंटे बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है. मतलब आपको कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करना है. प्रॉपर स्किन केयर तो कर ही रहे हैं आप अगर प्रॉपर क्लिनजिंग कर रहे हैं, टोनिंग कर रहे हैं तो उसमें फेस पैक यूज़ नहीं करते हुए आप इस फेस पैक को एज अ फेस पैक यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी बेनिफिट देता है, आप देख सकते हो. सो धीरे धीरे प्रॉपर आपको अपने फेस पे ग्लो आने लग जाएगा, शाइनिंग आने लग जाएगी और आपका स्किन टोन में आपको बहुत नोटिसेबल चेंज दिखेगा. सो ये था आज का वीडियो. वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है. पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उस पर भी हिट कर दीजिएगा तो आने वाली सभी वीडियो से आप नोटिफाइड हो पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. स्टे ब्लेस्ड. बाय.